यहाँ पे आगे एक वाटरफॉल है यार, उस वाटरफॉल के लिए हमें एक दूसरी रोड में जाना पड़ेगा। ये देखो गाइस, वाटर क्रॉसिंग आ गई गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की मॉर्निंग कुछ ऐसे स्टार्ट हो रही है, अभी हाल फिलहाल टाइम हो चुका है 8:30, ठीक है। मॉर्निंग का व्यू चेक कर लो आप एक बार सजरू का। गाइस अभी फिलहाल हम आ चुके हैं रोड में, और ये रही अपने सामने बाइक। रात को हुई थी यहाँ पे बारिश एंड बाइक की हालत देख रहे हो थोड़ी सी खराब हो रखी है। सबसे पहले करते हैं इसको कोर्स स्टार्ट। सो गाइस आज दूसरा तीसरा दिन मेरे को सिजरू में, ठीक है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग की एंडिंग की थी। तो अभी देख सकते हैं अभी मैंने बाइक वगैरह यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि भाई मैं कोशिश करूंगा कि अपना मोहर वाली साइड एक्सप्लोर करने की, तो मोहर से आगे साइड वाली साइड। और यहाँ पे रखी अपनी हेलमेट बैग एंड ग्लव्स, मेरे पास हाफ वाले भी पड़े हैं और फुल वाले पड़े हैं। अभी फुल वाले मैं यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पे ठंड लग रही है। अभी सुबह का टाइम हो चुका है, 6:30 में घर से निकला था, अभी 7:30 हो गई है क्योंकि अभी मैं अपना ब्लॉग कर रहा हूँ अपलोड। पहले मैंने देखा यार यहाँ पे भी 4G चल रहा था, इसके पास आके मैंने यहाँ पे आके देखा तो 5G चल रहा है। मैंने सोचा यार व्लॉग कर देते अपलोड, शाम को डालना है तो क्या पता मैं कहाँ पे हूँ शाम को, वहाँ पे नेटवर्क हो ना या ना हो। तो आपके लिए आपका भाई प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग व्लॉग लाएगा, ठीक है। बाकी आप जुड़े रहो व्लॉग के साथ। चलते हैं अभी सीधा मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे, देखते हैं आज का क्या व्लॉग रहेगा। एंड एंजॉय करो वीडियो को, स्किप मत किया करो, फुल वीडियो देखा करो। आपके लिए इतनी प्यारे प्यारे एडिटिंग करता हूँ मैं, ठीक है। बिल्कुल बकवास चीज नहीं देखी आपको। बाकी मिलते हैं सीधा मोटो व्लॉगिंग सेटअप। यहाँ पे मेरे को बैठे बैठे 1.5 घंटा आई थिंक हो गया भाई व्लॉग, अभी तक भी अपलोड नहीं हो रहा। 5G नेट भी चल रहा है यहाँ पे, अभी 92% समथिंग हुआ। यहाँ पे देख सकते हो सामने वाली साइड धूप कहाँ पे ऊपर आ चुकी है। टाइम दिखा दूं मैं आपको तो टाइम हो चुका है 8:24, भाई कितना लेट हो गया। एंड सामने एक बार आप चेक कर लो, थोड़ी थोड़ी आपको स्नो दिख रही होगी। अभी अगर इसने अपलोड होना होगा तो खुद हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं जेब में डालता हूं, हम निकलते हैं यहाँ से। यार मेरे को आगे लेट हो जाएगा, अभी मैं फुल स्लीव वाले ग्लव्स पहन रहा हूँ, बाद में जब नीड पड़ेगी तो अगर मेरे को गर्मी लगी हाथों में तो मैं हाफ स्लीव वाले पहन दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल देखो ना ये भी हिल गया। अभी फिलहाल यार निकलते हैं आगे की ओर, कि अभी तो मेरे को ठंड लग रही है भाई यहाँ पे इतनी ज्यादा, क्योंकि इस साइड धूप नहीं ना लगती है। और खाली मैंने एक शर्ट पहनी हुई है, मैंने ऊपर लगाने के लिए कुछ नहीं लाया। मैंने सोचा गर्मी नहीं होगी, मौसम नॉर्मल होगा, बट यहाँ पे सुबह शाम ठंड, रात को भाई मोटा कंबल लेके सोना पड़ा मेरे। तो स्नो वगैरह तो नहीं यहाँ पे, रुकती है जून जुलाई में पिघल जाती है। जैसे सामने सामने है ना, उतना भी ऊपर हाई अल्टीट्यूड पे नहीं है, बट फिर भी अभी रोड तो बीच बीच में टूटी हुई है, बट अच्छी रोड है यार, ठीक है। पहले यहाँ पे बड़ी खराब रोड थी, ये थोड़ा बहुत इन्होंने कंस्ट्रक्ट की है। ग्रीनरी तो नेक्स्ट लेवल है। अभी लेट हो चुका है यार, मेरे को 8:30 हो गए, मेरे को भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर करना है। यहाँ से चेक करो सामने मोहर की प्यारी सी मार्केट, मार्केट भी है घर भी है, पूरा मोहर है यहाँ पे। प्यारा लग रहा है क्योंकि रात को बारिश हुई है ना, तो मौसम यहाँ पे तो ऑलमोस्ट क्लियर ही होता है। ऐसी वाली साइड होता है कि कभी कभी क्लियर नहीं दिखता, यहाँ पे तो क्लियर ही होता है। इन वादियों में ऐसे हल्की हल्की गर्मी लगना स्टार्ट होगी, तो मैं सोच रहा हूँ यार हाफ वाले डाल दूँ, इनको डाल देते हैं हम बैग में। गाइस लेते हैं भोले बाबा जी का नाम, भाई इसको मैंने रोका, मैं एक मिनट रुक, मैं गाना लगा रहा था, बनता रुका ही नहीं। अभी मेरे फोन की बैटरी भी डाउन हो चुकी है, समथिंग 40 कुछ बची है, आई थिंक 70 मैंने लाई थी घर से। तो व्लॉग अपलोड करते हैं, थोड़ी सी बैटरी खा ली इसने इस बार बाइक में, भी वो नहीं लगा हुआ फोन वगैरह चार्ज कर सकते। ये रहा मोहर का पेट्रोल पंप, पेट्रोल की तो मैं नीड नहीं है, एक साल ही कम है, बाकी तो पेट्रोल अभी हमारे पास अवेलेबल है। ऐसे से फुल करवा के आए थे, तो आपको पता है बाइक अच्छी थोड़ी सी माइलेज दे देती है, अगर हम प्यार से चलाएंगे इंसानों की तरह चलाएंगे तो अच्छी माइलेज दे देती है। बाकी मैं आराम से चलाई है, ठीक है, तो थोड़े आराम से ही चलाता हूँ आजकल, आपको जैसे पता ही है। आगे एक अपना भाई भी वेट कर रहा, तो अभी चलते हैं उनके पास, मिलते हैं सीधा वहाँ पे जाके। लुक एट द व्यू गाइस, सोलो राइड पे मजा आता है, नहीं किसी के चिक चिक ये करना वो करना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, मजे लो बस जिंदगी में, किसी के साथ गलत मत करो। एक चीज मैं आपको बताता हूँ यार, अभी 3-4 दिन पहले मेरे से एक वाक्य हुआ, मेरे को किसी ने गलती से 8,000 ट्रांसफर कर दी। बंदा आई थिंक रजौरी वाली साइड का था, मैंने सोचा पता नहीं किसी ने ट्रांसफर के नाम शो हो नहीं रहा था, ऐसे ऊपर आ रहा था 8,000, तो मैंने सोचा कि आप विशाल चाचू को बोला था मीडियम मॉडल लाने के लिए, मैं क्या पता यार उन्होंने मेरे को ट्रांसफर कर दिया, वो नहीं मिला तो बोल रहे ऑनलाइन करते यार। मैं थोड़ा टाइम देखा, मैं उन्होंने भी कॉल की, खुद करेगा यार किसने किए होंगे। तो 1 घंटे के बाद मेरे को एक बंदे कॉल आती है, नौशहरा वाली साइड की, कौन सी साइड, मतलब बोलता है यार गलती से लास्ट वाला डीजल लग गया, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप कर दोगे। मैंने बंदे को बोला आपने किए किस पर ट्रांसफर, उसने मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड किया गूगल पे पे, मैंने उसी नंबर पे वापस ट्रांसफर कर दिया और फोन मैंने पहले कट कर दिया। बंदा 15-20 मिनट के बाद कॉल करता कि भाई आगे जैसे बड़े कम बंदे मिलते हैं। मेरे को भी मेरे साथ कुछ बंदे से बोलता तो पागल है यार, ऐसे 8,000 ये बार बार थोड़ा पैसे मिलते हैं, तो मैं भाई क्यों रखने किसी के पैसे। वो बोलता मैं ड्राइवर हूँ, ये वो गाड़ी चला रहा था, तो जल्दी जल्दी में किया मैंने ट्रांसफर। मैंने एक ही चीज उस टाइम सोची, उस बंदे ने कितनी मेहनत से कमाए होंगे, ठीक है। बाकी यार ये चेक करो एक बार, आप ब्रिज चेक करो यहाँ पे,
काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। मेरे को कमेंट करके बताओ आपको इस सीरीज या इस ट्रिप में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। अपनी तरफ से आपका भाई फुल ट्राई कर रहा है आपको एंटरटेन करने का, आपको बोर नहीं करने का, अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स लगाता है आपको। जैसे पता आपका भाई बस आपने करता रहना स्पोर्ट, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि भाई आपके होने वाले आप 4K, जल्दी से 4K करवा दो कि बर्थडे तक 4K हो जाए। मैं खाली मेहनत करने पर लगूँ, जेनुइन से ब्लॉग बनाता रहूँगा अच्छे अच्छे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके बता दिया करो, अगर आपको जिस टाइप का भी कॉन्टेंट चाहिए होता अपने भाई को कमेंट कर दिया करो। तो गाइस यार अभी कुछ ऐसी जगह पहुंच गया, भाई को एक बार कॉल कर लेते हैं कि भाई अपन पहुंच गए यहाँ पे, तो कहाँ पे हो? और मेरा ऑर्डर भी आ चुका है और मैं आज ले नहीं सकता, भाई को बोल दूंगा भाई मैं आज नहीं ले सकता क्योंकि अभी आपका भाई आया है यहीं काम से, ठीक है। एक तो इसके लेजेस खुले आते हैं और अभी मेरे को वो एरिया पूरा एक्सप्लोर करना है। और सामने एक मंदिर है, इस यहाँ पे कौन आ चुका है? मोना व्लॉग्स भाई क्या हाल चाल, ठीक हो? आपके व्लॉग नहीं आया यार, क्या चक्कर है? आएंगे एक्सप्लोर कर रहे यार इस जगह। यार अभी निकलते हैं यहाँ से, एक स्टोरी पोस्ट कर रहे थे। हेलमेट पहन के आए हैं, सबसे अच्छी बात ये है यार। यहाँ के आप पहाड़ चेक करो, कितने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं। यहाँ पे आगे एक वाटरफॉल है यार, उस वाटरफॉल के लिए हमें एक दूसरी रोड में जाना पड़ेगा। 5 किलोमीटर के अंदर हुआ ना, तो फिर हम वाटरफॉल भी दिखाएंगे आपको। काफी प्यारा और ठंडा वाटरफॉल है ना। यहाँ पे आगे जगह का नाम बग्गा, हम वहाँ पे जाके पूछेंगे। 5 किलोमीटर के अंदर होगा ना तो हम जाएंगे, ठीक है। अभी एमटी का फ्रंट वाले टायर पंचर होगी क्योंकि वो नीचे से ऑफ रोड करके आए ना, तो साइड से कोई देखता तो कमेंट करना, ठीक है। भाई को नीचे एक साइड से कौन कौन देखता है, क्या पता कोई देखता हो, एक आधा। कुछ बंदे तो कमेंट करने से डरते हैं, भाई कमेंट कर दिया करो, कुछ नहीं होता कमेंट करने में। एमटी में हवा डलवाते हैं। ये है अपना डिग्री कॉलेज गाड़ बग्गा, कौन ही आता होगा इतना दूर और इतना ऐसे घूम के कॉलेज। इधर प्रोफेसर जम्मू के होंगे, इधर रहते होंगे ना, मुश्किल है यार यहाँ पे। बड़े भी चलते हैं, हवा वगैरह डलाते हैं। मैं भी अपनी बाइक के टायर में हवा वगैरह चेक कर लूंगा, ठीक है। मिलते हैं सीधा। और भाई क्या हाल है? नहीं वो वाटरफॉल यहाँ से आगे कितने किलोमीटर? यहाँ से होगा 5-10-17 तो बंदा चले कैंसिल। यहाँ पे कोई दुकान नहीं मिल रही, ये देखो गाइस ये कच्चे रोड में यही होता है भाई। चलते हैं गाइस, हवा तो मिली नहीं। इस साइड भी हमारा एक मतलब घर रहा, मेरी दादी को जगह दी गई है वो इस साइड है, तो किसी दिन इधर भी चलेंगे। अभी हम इधर होंगे, वाटर क्रॉसिंग आ गई गाइस। पैर नहीं गंदे होने देने, बाइक तो अब गंदी गंदी है, क्या कर सकते हैं। हाँ ओ भाई, तो अभी चलते हैं यहाँ पे, आके बैठते हैं यार साइड पर। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए हैं कुछ ऐसी जगह पे, अभी हम बैठेंगे यहाँ पे साइड पे, ठीक है। मुन्ना भाई यार मौसम तो अच्छा है यहाँ पे, मजा आता है। चेक कर लो यहाँ से नीचे दिख रहे हैं, हेलमेट वगैरह निकालते हैं। यहाँ से आगे का सफर आप नेक्स्ट व्लॉग में ही देखना, क्योंकि अभी यार व्लॉग ज्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी का व्यू आपको विजुअल आगे वाले व्लॉग में दिखाएंगे, तो जुड़े रहो इस ट्रिप के साथ ऐसे प्यारे प्यारे विजुअल देखने के लिए। लाइक में शेयर अच्छे से कर दो, अभी हम कमेंट वगैरह रीड करेंगे। आप भी ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट कर दो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर मिल जाए। बाकी मिलते हैं ऐसे ही प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में, यहाँ से आगे की ट्रिप आप नेक्स्ट व्लॉग में एंजॉय करो।